अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रॉयड यूज़र। इस वीडियो में इजी पैसा डेबिट कार्ड को यूज़ करने लगा हूँ। इजी पैसा डेबिट कार्ड को आपने कुछ इस तरह से एंटर करना है कि इसकी सिम वाली साइड ऊपर को और यही साइड आपने फर्स्टली एंटर करनी है। कार्ड को आपने कुछ इस तरह से एंटर करना है। एंटर करने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली इसको फैच कर लेगी और कार्ड एंटर करने के बाद आपने कुछ सेकेंड्स के लिए वेट करना है। इजी पैसा डेबिट कार्ड के ATM से विड्रा के जो चार्जेस हैं वो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसके चार्जेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है पिन कोड का ऑप्शन यहाँ पर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना जो भी 4 डिजिट्स का जो पिन है वो दे देता हूँ। पिन देने के बाद आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने करंट अकाउंट के ऊपर जाना है। ये देखें, इजी पैसा डेबिट कार्ड जब आप यूज़ करें करंट अकाउंट के ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ से अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर अदर अमाउंट के ऊपर जाकर जितनी भी मेरी अमाउंट है, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितनी भी विड्रा करवाना चाहते हैं आपने उतनी लिखनी है। मैं 15,000 विड्रा करवाना चाहता हूँ। उसके बाद आपने यस कर देना है। तो यस करने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन हो या ना हो, मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपका कार्ड बाहर आएगा। आपने अपने कार्ड को फर्स्टली जो है पिक करना है, उसके बाद अपने पैसे वगैरह जो भी वो ले लें। तो यहाँ पर जो देखें, सबसे पहले जो है मेरा कार्ड आ चुका है, तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो पैसे आएंगे, तो आप उसको पिक कर लें। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे ये साथ में लेफ़्ट साइड पे चीट आती है, इसके ऊपर लिखा होता है कि आपने कितने विड्रॉ करवाए हैं और रिमेनिंग बैलेंस कितना है। और बाज़ का तो ये नहीं आती, ये कागज़ जो है ख़त्म हुआ होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और मुझे इस तरह की वीडियोज़ के लिए एंड्रॉयड यूज़र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।